नमस्कार, स्वागत है आपका B24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ नितिन कात्यान। आई नजर डालते हैं इस अहम खबर पर। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश फतेहदीप सिंह आज सिरसा पहुंचे। मुख्य न्यायाधीश ने कोर्ट परिसर में लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से बने नए एडिशनल कोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस मौके पर सिरसा उपायुक्त प्रभजोत सिंह व जिला स्तरीय न्यायाधीश आर एन भारती भी मौजूद रहे। मुख्य न्यायाधीश ने नए भवन का बारीकी से निरीक्षण भी किया और भवन निर्माण में उपलब्ध सुविधाओं को लेकर खामियां गिनाते हुए सुझाव दिए। न्यायाधीश फतेहदीप सिंह ने कहा कि यह एक अच्छा काम किया गया है, इससे लोगों को न्याय मिलने में काफी सुविधा मिलेगी। कानून को देखते हुए यहां छोटे बच्चों के लिए अलग से कमरे बनाए गए हैं, साथ ही भवन निर्माण को लेकर सुझाव दिए गए हैं ताकि इस तरह के भवन तैयार किए जाए तो लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखा जा सके। देखो, ये बहुत अच्छा एफर्ट किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से और जुडिशरी की तरफ से कि लोगों के सहूलत के लिए नए कोर्ट्स बने हैं, तो इससे थोड़ा सा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में एफिशिएंसी आ जाएगी, कंफर्टेबल होगा लोगों के लिए, लॉयर्स के लिए अच्छा होगा। वो रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है, तो जो खास करके चाइल्ड विक्टिम है उसको एक्यूज के सामने नहीं पेश करना, सो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऐसे सिस्टम के थ्रू उनको एविडेंस लेना है। अभी चल रहा है प्रोविजन, इट्स अंडर वे, लेट्स सी हाउ फास्ट इट टेक्स ऑफ बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, तो कितना फिनांस मिल पाएगा उसके लिए, प्लस जब अपग्रेडेशन सिस्टम की होती है तो टाइम तो लगता ही है। सिरसा से सुरेंद्र सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए P24 न्यूज के साथ। नमस्कार।